गुड इवनिंग फ्रेंड वेलकम टू अर चैनल स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामपुर आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है मैं हूँ अब तरी आपका अपना साइंस एंड टेक फैकल्टी सो जल्दी से सेशन लिये जुड़ जाए जल्दी से सेशन जुड़ जाए जल्दी से सेशन के लिए जुड़ जाए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग गुड इवनिंग आदित्य सुमित खुशाल मुस्तफा गणित निकी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए गुड इवनिंग उर्वशी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात की जाए तो कंसेप्ट काफ़ी सिंपल होता है कंसेप्ट जो है काफ़ी सिंपल है लेकिन UPSC जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो क्वेश्चन मोर और लेस आपका केस स्टडी टाइप का जैसा दिखता है क्वेश्चंस भी देखेंगे यूपीएससी ने किस प्रकार से पूछा तो जब सबसे पहले शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हमें आज का सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स करना है पीडीएफ जो है सारी सबमिट हो, हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन का है क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आठ बजे तक आपकी पीपीटी सबमिट हो जाएगी ठीक है चलिए गुड इवनिंग रक्षिता तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब यहाँ जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो भी जैसे हम हमारे इंटेलिजेंस की बात की जाए तो मॉरअली हमारी इंटेलिजेंस नेचुरल है ना लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या हम लोग इंटेलिजेंस जो है उसको आर्टिफिशियल मशीन्स में ऐड कर रहे हैं रिगार्डिंग पॉइंट इंटेलिजेंस जो है उसको हम लोग आर्टिफिशियल मशीन जो फिट कर रहा है जैसे रोबोट की बात करते हैं रोबोट की बात करते हैं जैसे आपने मूवी देखा होगा रजनीकांत का मूवी था यस yes, रजनीकांत का मूवी था उसमें उसने रोबोट बनाया था रजनीकांत था ऐश्वर्य आय थे उसमें उस रोबोट का नाम था चिट्ठी चिट्ठी नाम था तो आप देख रहे थे कि चिट्ठी जो है वो अब ह्यूमन जैसे बिहेव करना शुरू कर दिया था अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिखा दिया कि वो जो है चिट्ठी जो है ऐश्वर्य से प्यार मोहब्बत भी करना शुरू कर दिया था ठीक है तो ऐसे इमोशन वाली चीज को तो, तो नहीं बता सकते लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जब इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट जो, होते, जो होते हैं जो इंटेलिजेंस होते हैं जो आर्टिफिशियल मशीन्स वगैरह होते हैं रोबोट्स रोबोट्स होते हैं ठीक है ना वो जब इंटेलिजेंस यूज़ करना शुरू कर, 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 कर देते हैं ह्यूमन के जैसा थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं ह्यूमन के जैसा बात करना शुरू कर देते हैं ह्यूम के जैसे चीज़ों को रिकोगनाइज़ करना शुरू कर देते हैं यहाँ तक कि आज की डेट की अगर बात की जाए तो वो सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर डायग्नोसिंग द डिजीज़ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ठीक है थीके? ये टर्म जो है कब किसके द्वारा दिया गया था ये टर्म जो है द टर्म वॉज कॉइंड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स बाय जॉन मेकार्टी जॉन मेकार्टी के द्वारा ये टर्म दिया गया था डू नॉट हैव टू रिमेम्बर द नेम नाम आपको याद नहीं करना है यूपीएससी कभी आपसे नाम नहीं पूछती है बट मैंने वो ये राइटिंग द आंसर आप कोट कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका जॉन मेकार्टी के द्वारा दिया गया था ओके चलिए सो अब टूल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे कि अगर कोई भी मशीन अगर मान के चलिए कि अभी एक नॉर्मल रोबोट है नॉर्मल रोबोट है उस नॉर्मल रोबोट को आप चाहते हैं ऑटोमेटेड कर दे और साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट भी कर सकते हैं जैसे सोफिया की बात की जाए सोफिया की बात की जाए ठीक है ठीक है तो आप वहाँ पे क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी तो टूल्स जो है क्या क्या टूल्स उसमें ऐड होगा तो आप देख सकते हैं टूल्स की अगर बात करेंगे तो मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग ऐड होगा उसके बाद टेक्सट टू स्पीच स्पीच टू टेक्स्ट अगर मान के चलिए जैसे अगर हम मोबाइल में भी बात करते हैं जैसे मोबाइल वगैरह में भी ये करते हैं तो हम लोग क्या स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट दे, कर देते हैं टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट विज़न अब जो रॉबर्ट जो होंगे उनके पास जो आइज दिख रहे हैं आइज देख रहे हैं वो आइस प्रॉपर्ली आपके आइस के जैसा ही काम करेंगे चीज़ों को विजुअलाइज़ करेंगे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्सपर्ट सिस्टम प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन रोबोटिक्स तो ये सब आपके टूल्स है, है, है तो एक एक टूल्स को समझते हैं कि टूल्स क्या क्या अलग अलग टूल्स है तो सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है मशीन लर्निंग क्या होता है ठीक है ना तो मशीन लर्निंग इज ए मैथड ऑफ डाटा एनालिसिस दैट ऑटोमेटेड ऑटोमेट्स एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग इट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द आइडिया डेट सिस्टम्स के लर्न फ्रॉम डाटा आइडेंटिफाई पैटर्न एंड मेक डिसीजन विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन तो मशीन लर्निंग मतलब क्या होता है जैसे आप मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि मशीन जो है डाटा को देख कर डाटा को देख कर आगे प्रोसेसिंग करता है आगे प्रोसेसिंग करता है ठीक है ना जैसे मशीन लर्निंग की अगर बात की जाए तो आप अगर सेंसेक्स uh, वगैरह देखते हैं सेंसेक्स वगैरह देखते हैं या कोई भी चीज़ का अगर आप मार्केट कोई अगर प्रोडक्ट है जो कि जिसका प्राइस मार्केट डिसाइड करता है ठीक है ना तो मान के चलिए कि अभी सौ उस हाँ उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस कितना रहेगी कि कम रहेगी लेकिन जैसे ही उसे 500 लोग चेस करना शुरू कर देंगे वो क्या हो जाएगा डिमांड डिवेन हो जाएगा वो प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिकली रेज कर जाएगी ठीक है ना तो ये सब जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये सब चीज़ें जो ऑटोमेटिक हो रही है कैसे डाटा को देख कर तो इसे हम लोग क्या कहते हैं मशीन लर्निंग कहते हैं मशीन लर्निंग कहते हैं ठीक है ना ओके गुड इवनिंग अमोद जी मेरी क्लासेस जो है अमोद जी क्लासेस का टाइमिंग पाँच बजे हो चुकी है फाइव टू तो सिक्स मेरी क्लासेस होंगी ठीक है टाइम चेंज हो चुका है थोड़ा सा ओके जैसे अगर हम क्रेडिट कार्ड अगर मान के चलिए कि हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अब अप्लाई कीजिएगा तो क्रेडिट कार्ड मेरे पास तो नहीं है तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है लेकिन डिटेल्स के लिए आपसे अपना नाम पूछा जाएगा पेरेंट्स नेम पूछे जाएंगे एड्रेस पूछा जाएगा फोन नंबर पूछा जाएगा पैन कार्ड पूछा जाएगा आधार कार्ड पूछा जाएगा और उसमें से कुछ ऑप्शन आपके पैन कार्ड हो गया आधार कार्ड हो गए ये सब मैंडेटरी रहते हैं अगर आप एक भी ऑप्शन फिल नहीं करते हैं ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये सब क्या ये सब प्रोसेस जो होता है मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक बात करेंगे दूसरा टूल्स के बारे में बात करेंगे वो है आपका डीप लर्निंग क्या है डीप लर्निंग तो डीप लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग डैट ट्रेन कंप्यूटर टू परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क सच इज रिकोग्इजिंग स्पीच आइडेंटिफाइंग इमेजेस और मेकिंग प्रेडिक्शंस तो डीप लर्निंग की बात होती है तो रोबोट जो होता है ह्यूमन का इसे बिहेव करना शुरू कर देता है तो उसको ट्रेन किया जाता है रोबोट्स को जैसे अभी मान के चलिए रोबोट मैंने कुछ मैंने कोई एक रोबोट बनाया उसको उसको मैंने डाटा फीड कर दिया थाउजेंड था। 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 इमेजेस का डाटा फीड कर दिया मैं मान मान के चलिए उससे मैं जो हूँ पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्रीज में काम करना चाहता हूँ तो इंडस्ट्रीज में मेरे जितने भी टूल्स हैं जितने भी मशीन है जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सारी चीज़ उसका डाटा उसमें मैंने फीड कर दिया अब वो रोबोट जो है सारी चीज़ों को अगर आप अगर उस रोबोट को पर्टिकुलर एरिया में काम करें तो सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता है इसे हम लोग क्या कहते हैं डीप लर्निंग कहते हैं डीप लर्निंग कहते हैं ठीक है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा टू रन द रन थ्रू द प्री डिफाइंड इक्वेशन डीप लर्निंग सेट्स आउट द बेसिक पैरामीटर अबाउट द डाटा ट्रेन द कंप्यूटर टू लर्न ऑन इट्स ओन रेकोग्जिंग पैटर्न यूजिंग मेनी लेयर्स ऑफ प्रोसेसिंग आपने जो मूवी के मूवी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था रॉबर्ट मूवी के बारे में डिस्कस किया था तो शायद रॉबर्ट का नाम चिट्ठी था तो उसमें आपने देखा था कि एक बार ऐसा केसेस हुआ था कि वो कहीं फायर लग गया था तो वहाँ से जो है आप लोगों रिमेंबर होगा उसके बाद रजनीकांत ने किया उसको ट्रेनिंग करना शुरू किया था ट्रेनिंग मतलब डिफरेंट लैंग्वेज का ट्रेनिंग डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज का ट्रेनिंग डिफरेंट सोश जो सोसाइटी में सोशल इश्यू है उसका ट्रेनिंग किस तरीके से सोसाइटी में पेश आना है उस तरह का तो हम लोग क्या को करते हैं रोबोट को ट्रेन करते हैं एक्चुअली रोबोट को उस प्रकार से ट्रेन नहीं किया जाता है रोबोट के अंदर जो चिप्स रहते हैं उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है जितना टाइप ऑफ एल्गोरिदम आप डालिएगा जितना प्रोग्रामिंग कीजिएगा रोबोट आपका उतना हाईली एडवांस्ड वर्जन होगा ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे इट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडिंग दैट इज इंस्पायर्ड बाय द वे द बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम सच इज द ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन इट हेल्प्स इन एडेप्टिव लर्निंग विच मींस एन एबिलिटी टू लर्न हाउ टू डू द टास्क बेस्ड ऑन द डाटा गिवन फॉर वही चीज़ है जिस तरीके से हमारा अपना न्यू जो नर्व सिस्टम जो ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क है ब्रेन का जो न्यूरल जो नेटवर्क जिस प्रकार से काम करता है उसी प्रकार से इनके अंदर में भी वही चीज़ें सारी काम करती हैं ठीक है ना अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है मैं सपोज मुझे सोफिया से बात करना है सोफिया से मुझे बात करना है रिलेटेड टू वाट एवल्टीज मुझे इंग्लिश नहीं आती है मैं जो हूँ उसे हिंदी में बात करूँगा या फिर भोजपुरी में बात करूँगा या बंगाली में बात करूँगा या आसामी में बात करूँगा तो मैं उसके पास जाऊँगा बात करने के लिए तो ऑब्वियसली जब तक उसके अंदर डाटा फीड नहीं होगा भोजपुरी लैंग्वेज का हिंदी लैंग्वेज का असामीज लैंग्वेज का बंगाली लैंग्वेज का मेरे डाटा को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे तो अगर मुझे उस रोबोट को परफेक्टली एक ह्यूमन रोबोट बनाना है तो मुझे उसके अंदर में ये टेक्नोलॉजी ऐड करना पड़ेगा दैट इज़ लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने कहा तो जितनी भी कॉमन लैंग्वेजेज़ होते हैं जैसे मान के चलिए कि अभी सोफिया यहाँ पे है कल सोफिया को सपोज बिहार में जाना है अब बिहार में जाके उसका जो है डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है तो वहाँ लोग भोजपुरी में बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा सोफिया में जो है एक और प्रोग्रामिंग एड कर लूंगा थ्रू दिस प्रोसेस कॉल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसमें बिहारी की जो बिहारी की जो बुक्स होती है उसमें डाउनलोड कर दूंगा है कि नहीं उसके दो बिहारी भी लैंग्वेज समझ जाएगी इससे हम लोग क्या कहते हैं इससे हम लोग कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ठीक है इज इट क्लियर तो देखिए सबसे बड़ा क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर में क्या आता है इसके अंदर में जो आता है आपका मशीन लर्निंग आता है मशीन लर्निंग के अंदर में आता है आपका डीप लर्निंग आता है ठीक है चलिए फिर एक और टेक्निक की बात करते हैं कंप्यूटर विजन की बात करते हैं जिसे यस मुझे भोजपुरी भी आती है बंगाली भी आती है बंगाली मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड बंगाली मुझे असामीज भी आती है एंड सम मैं जो हूँ बिट क्या बोलते उसको तेलुगू भी समझ सकता हूँ ठीक है सोफिया वी आर गोइंग टू डिस्कस हम लोग डिस्कस करेंगे कुशाल पटेल जी यस आदित्य जी ठीक है वी आर गोइंग टू डिस्कस सोफिया जो है इट्स द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमेड रोबोट सोफिया जो है विश्व की सबसे पहली ह्यूमेड रोबोट है ठीक है ना ये देखिए ये है सोफिया देखिए इसने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए हैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया आप मोरिश आप कह सकते हैं कि ये जो आपका इसको ह्यूमेड रोबोट कहा गया कि ये डेलीगेट्स एट मीटिंग भी अटेंड करती है अपार्ट फ्रॉम दैट ये हर एक लैंग्वेज भी बोल सकती है मोरऑलिस हर एक लैंग्वेज भी बात कर सकती है इसको फर्स्ट ह्यूम रोबोट कहा गया है अपार्ट फ्रॉम दैट आदित्य जी ने कहा कि सऊदी अरेबिया में इसको सिटीजनशिप भी दिया गया है चलिए हाँ, तो हम हम बात कर रहे थे कंप्यूटर विजन के लिए तो कंप्यूटर विजन का मैंने बताया रोबोट को किस तरीका से ट्रेन किया जाता है अगर मुझे मान के चलिए कि कोई रोबोट है उसे आप लेके जा रहे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसको ट्रेन करना है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसको पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी मशीन से जितने भी इक्विपमेंट है सारे फोटोज उसके अंदर अपलोड कर दीजिएगा और जैसे ही वो चीज़ देखेगा उसका क्या हो जाएगा उस चीज़ को वो पहचान लेगा क्योंकि उसके पास उसका डाटा है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर विजन प्रोसेस ठीक है चलिए ओके okay. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की कीजिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है हमें बेसिकली पता होना चाहिए टूल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि बेसिकली पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है येस yes, हमारे फील्ड में ये आइडियल आज तक का मोस्ट एडवांस देखिए मोस्ट एडवांस है आदित्य जी लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी गवर्नमेंट चाहेगी उसमें और हम लोग बहुत सारी चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं ठीक है प्रोग्रामिंग की यही खास बात होती है क्योंकि देखिए सूफिया का एक साल से ऊपर हो चुका है एक साल में बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है ठीक है जस्ट मिनट जस्ट मिनट प्लीज़

आदित्य जी का है सर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं काफ़ी कॉन्स्टेंट्स होती है यस काफ़ी कॉन्स्टेंट्स होती है एक चीज़ डेफिनेटली लेकिन मैं बता रहा हूँ आज तक तो एडवांस रोबोट है ही लेकिन अगर आदमी चाहेगा तो रोबोटिक्स फील्ड में क्या है प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंडेंट करता है प्रोग्रामिंग के ऊपर आप जितना ज़्यादा प्रोग्रामिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा हाइली एडवांस चीज़ होते चला जाएगा ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिया गया है ताकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को किस तरीके से हम प्रमोट कर सके तो सबसे पहला है आप देख सकते हैं नीति आयोग नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल एंग्वेजेस फॉर ऑल ऑल फॉर ऑल ठीक है कहीं भी कुछ डाउट हो तो आपको कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा तो नीति आयोग नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल फॉर ऑल मतलब ये है एंड विजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल मतलब ये नीति आयोग ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है हर एक क्षेत्र में हर एक हम लोग सेक्टर्स में कर सकते हैं फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड आइडेंटिफाइज हेल्थ केयर हो एग्रीकल्चरल फील्ड हो एजुकेशन हो स्मार्ट सिटीज हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्मार्ट मोबिलिटी हो ट्रांसपोर्टेशन हो सभी सभी जगह में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडोप्शन एट स्टेट लेवल अब हमें स्टेट लेवल की बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में जो है सबसे मैक्सिमाइज मतलब सबसे मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है तो सबसे पहला क्या होगा तेलंगाना कर्नाटका तमिलनाडु महाराष्ट्र गवर्नमेंट ठीक है ना उसके बाद आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है इंडिया ज्वाइन इंडिया ज्वाइन द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेल इंटेलिजेंस जीटीए आई एज ए फाउंडिंग में रिस्पॉन्सिबल एंडियल इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबल पार्टनरशिप इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर लिया ताकि अगर मान के चलो ग्लोबल लेवल में कुछ और भी टेक्नोलॉजीज का एडॉपशन हो रहा है कुछ और भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को एनहेंस करेगा तो इंडिया को भी पता चलेगा क्योंकि इंडिया का इसका फाउंडिंग मेंबर है ठीक है ना उसके बाद हम बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है खुशाल जी आदित्य जी मुस्तफ़ा निकी उर्वशी रक्षिता मतलब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है एनी डाउट्स तो अपन पॉइंट फोर एंश्योरिंग कम्युनिकेशन अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात की जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिप्लॉय किया था वाटसन असिस्टेंट वाटसन जैसे हमारे पास गूगल असिस्टेंट होता है उसी तरह उसने क्या उसने क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आपका डिप्लॉय किया था वाटसन असिस्टेंट वाटसन असिस्टेंट में क्या था सारा डाटा फीड होता है रिगार्डिंग रिगार्डिंग कोविड नाइन्टीन अगर किसी को हुआ है तो वाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन है ना वाट आर द मेसिन मेडिसिन टू बेकन व्हाट आर द बेनिफिट आर एप्लीकेबल टू द फ्रंटलाइन वर्कर्स तो सारी जो डाटा इसमें फीड है अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स है ही इज़ नॉट अवेयर रिगार्डिंग एनीथिंग वो क्या करेगा उसमें डाटा डालेगा और गूगल असिस्टेंट के तौर से वहाँ से जवाब आ जाएगा क्यों वो सारे डाटा उसमें फीड कर दिया गया अपार्ट फ्रॉम देट कभी कभर क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनका जवाब नहीं हो पाता है तो ये सब गूगल असिस्टेंट में क्या होता है जैसे व्हाट्सअन असिस्टेंट में क्या होता है सपोज नाइट में वेरीफिकेशन होता है कि सौ क्वेश्चन पूछे गए तो रॉबर्ट ने जो है सौ के सौ में से नाइन्टी क्वेश्चन का जवाब दिया बाकी दस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया सॉरी वी डू नॉट हैव द एंसर तो ये सब जो ऑलरेडी व्हाट्सएप असिस्टेंट में मैसेज वो सब रिकॉर्ड हो जाते हैं ये आपके मैसेज है जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर नाइट में क्या होगा बैठेंगे लोग और उसका आंसर जो गवर्नमेंट के साइड से आएगा उसे ऐड कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट टाइम अगर वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली और असिस्टेंट के थ्रू डिलीवर कर दिया जाए ठीक है ना ये देख सकते हैं आप ये क्या है यहां okay, देख सकते हैं क्वेश्चन टाइप कीजिए यू गेट द रिप्लाई अभी भी आप देखते होंगे अभी अभी आप देखते होंगे बाई चांस की बात आप किसी भी साइट पे जाते हैं कोई भी साइट पर अगर आप कुछ करंट अफेयर पढ़ने जाते हैं कि या फिर किसी चीज पे रिसर्च करना जाते हैं तो जो साइट्स होते हैं वो तो फ्री में तो कोई काम करती नहीं डेफिनेटली नो बट इज गोइंग टू डू डेट तो वहां पे कुछ असिस्टेंट रहते हैं असिस्टेंट रहते हैं वहां पे कुछ डाटा फीड रहता है आप अगर क्वेश्चन पूछिएगा इस प्रोग्राम के लिए क्या फीस है अगर आ जाएगा बाकी कुछ और चीज पूछने का कोशिश कीजिएगा सॉरी वी डू नॉट हैव द रिप्लाई ठीक है ओके okay? चलिए अब केरला के बारे में बात करें तो केरला में देखिएगा इन केरला यूज ऑफ इन केरला यूज ऑफ सृष्टि रोबोटिक्स नाइटेंगल नाइनटीन रोबोट तो केरला में देखिएगा केरला में नाइटेंगल नाइनटीन रोबोट का प्रयोग किया गया था आपको पता है पेंडेमिक में वी हैव हाँ टू तो मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग तो कोविड कोविड वार्ड हुआ करता था तो वहाँ डॉक्टर्स वगैरह जा डॉक्टर्स जाते हैं चेक करते हैं तो पेशेंट्स को वेरीफाई करते हैं उसके बाद उनको मेडिसिन दिया जाता था लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो फिर भी मेंटेन करके रखना है तो वहाँ पे जो है सृष्टि रोबोटिक नाइटेंगल नाइन्टीन रोबोट को डिप्लॉय किया गया था आप देख सकते हैं ये रोबोट ये है ये दिस इज योर रोबोट जो केरला में डिप्लॉय किया गया था इस रोबोट में क्या होगा आपका टैब लगा हुआ टैब में फ्रंट कैम है पेशेंट से अगर डॉक्टर जो है पेशेंट से कंसल्ट करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंसल्टिंग करने के बाद यहाँ पे मेडिसिन वगैरह रखें क्लोथ्स वगैरह रखे रहते सैनिटाइजर वगैरह रखे रहते और अगर बाई चांस कहते हैं पेरेंट्स वगैरह कुछ मिलने गए हैं तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी रखे रहेंगे ठीक है थीके? तो ये आप लोग डाटा याद कर लीजिएगा नाइटिंगल नाइन रोबोट कहाँ अप्लाई किया गया था ये आपका केरला में किया गया था काफ़ी फेमस केसेज है तो यूपीएससी ऐसे केसेस से क्वेश्चन पूछ देती है ठीक है ना इस केसेस को आप लोग याद रखिएगा जो कि केरला में किया गया था ठीक है उसके बाद तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो फेबरी आई इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम फॉर रियल टाइम एंड ऑटोमेटेड नॉन इंट्यूसिव मॉनिटरिंग टू एंसोर डेडन एंड एंट्रिंग डज नॉट है तो जी शिवाजी टर्मिनल में क्या हुआ था फेबरी आई का प्रयोग किया गया तो वो कंटिन्यूअसली टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है और डिस्प्ले होता था अगर किसी का टेम्परेचर परमिटेड लिमिट से ज्यादा दिखा रहा था तो वो अंदर नहीं घुस पाएगा तो ये सब क्या है ये सब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स है ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो बताया जा रहा है प्रीसीजन फार्मिंग के बारे में बताया गया है क्या प्रिसीजन फार्मिंग प्रीसीजन फार्मिंग आपका एक लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे मोरऑल जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सारी चीज़ें क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है जैसे अगर हम प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं ये आपका प्लॉट है एग्रीकल्चरल प्लॉट है यहाँ पे ठीक है ना यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका ये पाइप लेआउट है पाइपिंग लेआउट है ये ठीक है ना पाइपिंग लेआउट है और इस पाइपिंग लेआउट का जो है कनेक्शन इस पाइपिंग लेआउट जो है इसका कनेक्शन आपका कहाँ है इसका कनेक्शन इस लैपटॉप के थ्रू है लैपटॉप के थ्रू है ठीक है ना उसके बाद मान के चलिए यहाँ पे एक ड्रोन है ये ड्रोन्स है सपोज़ इस ड्रोन्स के अंदर में क्या है फर्टिलाइजर है ये क्या है फर्टिलाइजर है इस ड्रोन्स का भी कनेक्शन जो है इस लैपटॉप के थ्रू है ड्रोन्स के थ्रू और यहाँ पे कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं ये आपके नैनो सेंसर्स लगे हुए हैं ठीक है ना ये क्या है सेंसर्स हैं ये सेंसर्स हमेशा क्या मॉनिटर करते हैं ये सेंसर आपका ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी जो है मेजर करते हैं तो इसका भी सेंसर का कनेक्शन आपका इस कंप्यूटर से दिया हुआ है तो आपका जो सेंसर जो है ये सेंसर अगर सेंस करता है कि ह्यूमिडिटी जो है सोल की ह्यूमिडिटी काफ़ी कम हो चुकी है तो क्या करेगा कमांड देगा वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली कमांड आपका सिस्टम से तो चला जाएगा और यहाँ पे जो पाइपिंग अरेंज है वहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएगा पानी निकलना शुरू हो जाएगा सेम चीज़ अगर आप देख सकते हैं कि फ़र्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है और जो आपका सेंसर्स है वो सेंस कर पाता है कि नहीं अभी पर, अभी हमारे यहाँ पे क्या एन पी के का एन पी के का रेशियो काफ़ी का कम है तो क्या करेगा कमांड देगा ड्रोन्स को और ड्रोन्स क्या करेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजर का स्प्रेड कर देंगे तो ये भी क्या है प्रिसीजन फार्मिंग प्रिसीजन फार्मिंग जो है ये क्या है इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फार्मिंग प्रिसीजन फार्मिंग क्या है इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फार्मिंग वेलकम नकुल यादव तो याद रखिएगा अगर हम प्रिसीजन फार्मिंग की बात कर रहे हैं प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे रखिए एक चीज याद रखिएगा इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स एन इट्स एन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बेस्ड फार्मिंग इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फार्मिंग इज इट ओके बताइए ना कुल यादव जी ऐसे आप इस तरीके से कमेंट मत किया कीजिए कि बाकी बच्चे भी पढ़े डिस्टर्ब हो जाएंगे कुछ अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी कैंडिडेट इन द क्लास ठीक है ना डू नॉट आप मतलब एक्सेसिव मैसेज करके सारे बच्चों को डिस्टर्ब ना कीजिए इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ठीक है हम लोग फिलिम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं सो so,

तो अगर आप अगर आप बात कीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते तो एक तरह से एक तरीके से हम लोग जो मोबाइल में मोबाइल में वेदर फोरकास्टिंग जो देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग में जो आपके न्यूज़ कन्वे किया जाता है कि आज थंडर स्टॉम होने वाला है घर से बाहर ना निकले या फिर लाइटनिंग्स होने वाले हैं तो ये भी क्या इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी क्या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटलीस्ट आप जो सुनना चाहते हैं आप जो समझना चाहते हैं वो चीज़ आपको कन्वे कर दिया जाता है इधर थ्रू मैसेज या फिर उसे आप स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच आप कन्वर्ट करके सुन भी सकते हैं ठीक है तो इट्स ए फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके okay? चलिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट ह्यूमनोइड रोबोट डेट इज सोफिया सोफिया है कि नहीं तो सोफिया इज ए सोशियल ह्यूमनोइड रोबोट डेवलप बाय हांगकांग बेस्ट कंपनी नेम हैंसन रोबोटिक्स तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए कंपनी के नाम ये सब हमें याद नहीं रखने हैं ठीक है ना तो सबसे पहला क्या है सबसे पहला सोशल ह्यूमन रॉबर्ट है ये रॉबर्ट जैसे श्री मुझे याद आ रहा है नॉट श्योर sure, मुझे याद आ रहा है कि सीरी देवी जो थी वो शायद कहा जाता था मुझे पता नहीं तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद साठ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दे सकती थी है ना सिक्सटी डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन दे सकता है हमारी कितनी होगी चार पांच ही होगी उदासी में मुस्कुराहट में ज़्यादा मुस्कुराहट में गुस्सा में और कुछ तो फाइव टू सिक्स हमारे एक्सप्रेशन होते हैं ठीक है लेकिन आप देख सकते हैं कि सोफिया रोबर्ट की बात की जाए तो सोफिया रोबर्ट जो है कुल मिला के सिक्सटी डिफरेंट टाइप ऑफ फेसियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकती है ठीक है ना यही इसको इनको सोफिया का इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंपॉर्टेंस को देखते हुए उसकी इंटेलेक्चुअलिटी को देखते हुए जो है आपका सोफिया वॉज आल्सो गिवन सिटीजनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया ठीक है सऊदी अरेबिया का सिटीजनशिप दिया गया था अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सोफिया का फेस को देखिएगा तो किसका वो कौन सा हीरोइन से मैच करता है वो जो मैच करता है आपका ऑड्रे हैव बर्न इस हीरोइन से उसका फेस मैच करता है ठीक है चलिए और ऐसा नहीं है कि सोफिया जो है उसका आ, सोफिया सिर्फ एलोन एलोनी एग्जिस्ट करती है उनका पूरा फैमिली उनका पूरा फैमिली बनाने बनाने का प्रयास किया जा रहा है सोफिया है सेवन रोबोट ह्यूमनट सिबलिंग्स उसके सात भाई बहन हैं नाम देख लीजिए नाम याद नहीं रखना है डू नॉट हैव तो टू रिमेंबर द नेम्स जस्ट जानकारी के लिए सोफिया जो है एलोन ने उसके पूरा अपने सिबलिंग्स के साथ मिला के देखिएगा तो एलाइस है एल्बर्ट आइंस्टाइन है बिना ए, बिना है हंस है फिलिप्स है जेनो है ठीक है चलिए ये आपका सोफिया ओके किसने okay. मुझे पूछा था खुशाल जी ने पूछा था तो क्लियर खुशाल सर जो सजेशन शो करता है अमेजन या गूगल पे यस आदित्य जी डेट इज आल्सो एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जैसे मान के चलिए कि आप जो गूगल में काफी अच्छा काफी अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा आदित्य जी क्योंकि यूपीएससी जो है अपने यस अपने इंडिया में काफी है रश्मि यस रश्मि यस जी आपने काफी अच्छा पूछा है क्वेश्चन यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जैसे आपने पूछा है आदित्य जी जैसे मान के चलिए कि मैंने गूगल खोला गूगल में गूगल में जाने का तो कोई भी ऑनलाइन साइट में गया फ्लिपकार्ट में गया या अमेजोन में गया वहां से मैंने जूता पसंद किया टी शर्ट पसंद किया जो भी चीज पसंद किया लेकिन फिर मैंने उसको एग्जिट कर दिया एग्जिट कर दिया फिर एग्जिट करने का फिर मैं वापस गूगल में गूगल खोलता हूँ या फिर फेसबुक खोलता हूँ तो अगर उस साइट में एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है तो वहाँ पे सेम प्रोडक्ट शो करना शुरू कर देगा ठीक है इसका मतलब क्या कि डाटा आपका ट्रांसफर हो चुका है लेकिन यहाँ पे डाटा आपको कन्वे किया जा रहा है ठीक है ना तो ये भी क्या इट्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एग्जीबिट किया जा रहा है इट इज़ थ्रू बिग डाटा एनालिटिक्स ठीक है ना यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग को दिखाया जा रहा है वो किसके थ्रू है वो आपका बिग डाटा के थ्रू है ठीक है ना गूगल पे हो गया यहाँ पे आप या तो आप YouTube पे भी बोल सकते हैं YouTube पे भी बोल सकते हैं जैसे YouTube पे आपका आजकल देखते होंगे कि शॉर्ट वीडियोस आते हैं ना TikTok वाले जो अभी तो TikTok बैंड हो चुका हैं शॉर्ट शॉट आते हैं तब तो नाइट में क्या होता है कि आदमी क्लासेस <laughs> करने के बाद ऑफिशियल काम करने का थक जाता है तो नाइट में जाते हैं हम लोग तो नाइट में जाने का तो होता नहीं कुछ टिकटॉक वगैरह के कुछ कुछ वीडियो होते हैं तो हम लोग एक दो देख लेते हैं उसमें जो कुछ पसंद आ जाता है तो उसको उसी को आदमी बार बार देखने का प्रयास करता है तो यूट्यूब क्या है तो उसे कंटिन्यूअस्ली सेंस कर लेती है और फिर वही जो है सेम वीडियो हमें देखने को मिलता है तो ये क्या है दिस इज क्या दिस इज़ ऑलसो कल एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है आप देख सकते ये एक ब्रॉड कैटेगरी है ये एक ब्रॉड कैटेगरी है ये इसको कैसे परफॉर्म किया जा रहा है इसको जो परफॉर्म किया जा रहा है थ्रू बिग डाटा एनालिसिस थ्रू बिग डाटा इसको बोलते हैं बिग डाटा बिग डाटा एनालिसिस एनालिसिस ठीक है बिग डाटा एनालिसिस चलिए सो हो गया आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सम पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स जैसे एलेक्सा की बात करते हैं एलेक्सा ये एलेक्सा है ना मूवी में देखते होंगे आजकल बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है एलेक्सा प्ले में दिस सॉन्ग एलेक्सा अलार्म लगा दो एलेक्सा भजन लगा दो है कि नहीं तो ये क्या है एलेक्सा जो आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या है यहां पे इसका क्या है इट इज एबल टू कन्वर्ट स्पीच इंटू टेक्स्ट अपने स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा टेक्स्ट विल गेट कन्वर्टेड इन टू प्रोग्राम प्रोग्राम विल रन द एलगोरिदम एंड एल्गोरिदम क्या करेगा इट विल कनेक्ट टू द इंटरनेट इंटरनेट क्या करे इट इज गोइंग टू प्ले द सेम सॉन्ग तो यह भी क्या है आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है ठीक है ना सो अलेक्सा क्या है अमेजन इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट कनेक्टेड टू स्मार्ट स्पीकर लाइक अमेजन इको कैपेबल ऑफ वॉइस इंट्रेक्शन म्यूजिक प्लेबैक मैकिंग टू डू लिस्ट ये सब किसका है यह भी क्या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डूल है ठीक है यस सब रोबोट है सब रोबोट है अब हम बात करेंगे सीरी के बारे में सीरी तो सका है एप्पल का प्रोडक्ट है किसका है एप्पल का प्रोडक्ट है इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट पार्ट ऑफ एप्पल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट रिलाईज ऑन स्पीच रिकॉग्निशन डेट रिलाइज ऑन स्पीच रिकॉग्शन यहां आप यहां पे, पे बोलिएगा कि सीरी प्ले दिस सॉन्ग बोलिएगा सीरी प्ले मिथ दिस सॉन्ग गाना बजना शुरू हो जाएगा सीरी कनेक्ट माई फोन टू डॉट 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 आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हो आप खुद फिल कर लीजिएगा है ना एक्स वाई जेड पर्सन सो ये भी क्या है आपका इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ओके अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा फायदा रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर्स अगर हम कोई भी चीज़ रिपीटेटिव वर्क करते हैं तो ह्यूमन से एरर हो सकता है लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर जब रिपीटेटिव जॉब्स करना है तो वहाँ पर ह्यूमन एरर नहीं होगा मतलब वहाँ पर एरर नहीं होगा प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रहती है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर इन वेदर फोरकास्टिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे हैव रिड्यूस मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन एरर टेकिंग रिस्क इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूम अगर मान के चलिए कि अगर न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ आग वगैरह लग चुका है कुछ भी चीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट को आपको सट डाउन करना है तो ठीक है आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो है चाहे कोई भी पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे तो इमरजेंसी सट डाउन बटन रहता है या आप सिस्टम के थ्रू भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर मशीन के मशीन को बंद करना है तो आप क्या कीजिएगा खुतुमुख नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को भेजेंगे ठीक है तो वैसा भी रोबोट डिज़ाइन किया होता है जो कि फायर से बच सके सर बहुत एटीट्यूड है सीरी में लेकिन फालतू का <laughs> लोगों का हमेशा याद रखिएगा मोद एक बात है ना कि जो जितना एटीट्यूड में रहता है भाव उसी को मिलता है मैं मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं डायरेक्टली आप लोग समझ जाइएगा हम लोग भाव उसे नहीं देते हैं भाव हम लोग उसी को देते हैं जो एटीट्यूड खाता है है कि नहीं इसलिए सीरी जो है सीरी को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो एटीट्यूड में हमेशा रहती है जस्ट किडिंग डोंट टेक इट अदर सेंस ठीक है चलिए सब तो हो गया सब मेन्स के लिए एक एमसी की क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व कर लीजिए एम सी क्यू क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व कर लीजिए विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए हम लोग मेन्स के लिए पढ़ते तो वी हैव टू देखिए मेन्स के लिए जब भी हम पढ़ेंगे ना तो वी हैव टू सी वट आर द एप्लीकेशन इन डिफरेंट टाइप डिफरेंट फील्ड व्हाट आर द एडवांटेज व्हाट आर द डिसएडवांटेज अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर गवर्नमेंट टू प्रमोट दिस तो अभी हमें क्या करना वी हैव टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना लेकिन थोड़ा पढ़ रहे स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रसिद्ध इंपॉर्ट है क्वेश्चन नंबर टेन को सोल्व कीजिए विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू वीच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजमशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स डिजीज डायग्नोसिस टेक्स टू स्पीच कन्वर्जन वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बताइए जल्दी से सॉल्व करके बताएं सेशन को लाइक कर दीजिए सेशन को शेयर कर दीजिए सर साइड हो थोड़ा मैं पूरा पिक्चर से बाहर आ जाता हूं उर्वशी जी आप साइड की बात करते हैं देखिए अमोद जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है बी एंड डी बी एंड डी ठीक है ना इसको किस तरीके से देखिए अब ये क्वेश्चन जो है इसी से हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू तो अप्रोच क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हाउ टू तो अप्रोच हाउ टू तो अप्रोच हाउ टू तो अप्रोच इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं तो सबसे पहला अप्रोच है कि यहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है यहां पे जो है लेटेस्ट हुँ. यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है तो हमेशा याद रखिएगा कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अगर हम बारे में बात करते हैं वो भी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में बात किया जा रहा है एप्लीकेशंस के बारे में बात किया जा रहा है तो लगभग इसका आंसर क्या होगा ऑल ही होता है लगभग इसका आंसर ऑल होता है ठीक है ना चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं थोड़ा नॉलेज से तो नॉलेज से सॉल्व करते हैं पहला बात ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स ये हो सकता है क्यों अगर कोई कोई अगर ऐसा रोबोट डिजाइन किया गया है रोबोट अगर डिजाइन किया गया है ठीक है ना कि अगर आप जिस मशीन तक का काम हो चुका है उस मशीन को हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बना दिया है प्रोडक्ट उसकी काम हो चुके ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली शट डाउन होगा दट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम कर देगा ठीक है क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीजेंस सॉन्ग्स अब एक बात बताइए सोफिया का एग्जाम्पल आप लेकर समझ सकते हैं सोफिया जो मीटिंग अटेंड कर सकती है मीटिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको अगर एड्रेस किया जा सकता है सो so वाई क्यों नहीं हम मतलब शॉर्ट स्टोरीज या सॉन्ग्स को क्रिएट कर सकते हैं मतलब टू भी हो गया चलिए ठीक है वन टू हो गया डिजीज डायग्नोसिस तो आप लोग न्यूज में पढ़ा होगा कोई कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ने एक स्किन कैंसर को डिटेक्ट कर लिया था जहां पर डॉक्टर ने फेल डॉक्टर वगैरह फेल हो गए थे ठीक है ना तो आप ये भी देख सकते हैं थ्री भी सही है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन ये भी सही है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन अब क्वेश्चन उठता है सबको डाउट है फाइव नंबर पे इस पे डाउट है तो चलिए हमारा आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव में डाउट है यहां लिखा है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पॉसिबल है बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं कि आप जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू मैग्नेटिक रूट कर सकते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं है वी आर नॉट अवेयर रिगार्डिंग इट लेकिन हमें पता चल गया कि वन टू थ्री फोर तो आंसर है चलिए देखते वन टू थ्री फोर कहाँ है 1, 2, 3, 4, 5. इसमें नहीं है हैन टू थ्री फोर इसमें है 5 में डाउट है तो फाइव भी आपका होगा तो इसका आंसर डी होगा तो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस दिस इज द वे ऑफ ऑफ सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन ठीक है ना आर यू गेटिंग रिगार्डिंग पॉइंट दिस इज द अप्रोच हाउ टू टेकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली क्या होता है वन एवर देर हैज बीन क्वेश्चन आज रिगार्डिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डेट टू ऑन द एप्लीकेशन साइड तो आपको क्या देखना होगा मैक्सिमम साइड एट्टी परसेंट क्या होते हैं सही होते हैं ठीक है इस को आप माइंड में लेके चलिए लेकिन इसी को ऐसा नहीं कि आपने D देखा तो डी टिक कर दिया अब दूसरा अप्रोच इसमें ये ऐड कीजिए कि आपको जो पता है हंड्रेड परसेंट उसको आप टिक कीजिए तो वन टू थ्री फोर निकल गया फाइव वाला में आपको डाउट है तो यहां तो ऑप्शन में वन टू थ्री फोर दिया ही हुआ है नहीं पा, सर मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कभी फाइव वाला तो मैंने आपको अप्रोच बताया ना आदित्य जी कि हाउ टू तो सॉल्व दिस क्वेश्चन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑप्शन दे आर जनरली ट्रू दे आर जनरली ट्रू एक आप ऑप्शन ये कंसिडर करके चलो कंसिडर करके चलिए उसके बाद आप यहाँ से जो सही पॉइंट है उसको आपने एलिमिनेट कर लिया मतलब सेलेक्ट कर लिया तो वन टू थ्री फोर हो गया फिफ्थ में आपको डाउट है ठीक है कोई बात नहीं तो वन टू थ्री फोर यहीं पे है ना प्लस फिफ्थ ये आंसर होगा ठीक है ठीक है ना यस इज इट ओके चलिए अब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में स्टडी करने के लिए क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2018 काइंडली रीड दिस काइंडली रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है गोइंग फास्ट मैं आज थो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या गणित जी निकी जी वेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग वेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग आपके मॉर्निंग में उठने के साथ साथ अगर आपका मोबाइल फोन का अलार्म बचता है यू वर्कअप आप उठते हैं लेकिन जैसे ही आप उठते हैं उठने के साथ साथ उस अलार्म को बंद करने का प्रयास करते जैसे ही बंद करते हैं तो क्या होता है आपका आ, बाथरूम का गीजर ऑन हो जा रहा है ठीक है ना और बाथरूम का गीजर ऑन हो गया द स्मार्ट मिनिट और इन योर बाथरूम सोज द डे वेदर उसके बाद बाथरूम में जाइएगा तो वहां पे आपको वेदर उधर देखने को मिल रहा है और साथ साथ में आपका टंकी का लेवल क्या है वो भी आपको पता चल जा रहा है उसके बाद क्या होगा जैसे ही आप जैसे ही आप नहा के आते हैं ठीक है ना द सॉरी द स्मार्ट मिन और इन योर बाथरूम शोज द डेज वेदर एंड ऑल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर इन योर ओवर एटिंग आफ्टर यू टेक सम ग्रोसरीज फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर नहा के नहाने के बाद आप क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं कुछ ग्रोसरीज लेते हैं फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट वो क्या करता है ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि आपके फ्रिज में आपके रेफ्रिजरेटर में क्या क्या चीज़ की कमी है और ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस कर देता है ठीक है ना आफ्टर यू टेक सम ग्रोसरीज फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट इट रिकोगोगोगनाइजेज द शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इन इट एंड प्लेसेज एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ फ्रेश ग्रोसरी आइटम्स वेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस आप जैसे ही खाना नाश्ता वास्ता करके घर से बाहर निकलते हैं रूम को बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट फैन गीजर ए सी मशीन सारे क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं ठीक है ऑन योर वे टू ऑफिस आप जब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए यो कार वॉन्स यू अबाउट द ट्रैफिक कंजेशन आप जो पाथ सेलेक्ट किए हैं आपको पता है तो आपके पास अगर अग, क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका जो रास्ते में जाना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा क्या जो कार आपकी जो कार जो है कार में आपका क्या क्या जी पी यूज़ करते हैं ना ठीक है ना, ना? जी के थ्रू आपको पता चल चलेगा इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है हेड एंड सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव रूट फिर आप ऑल्टरनेटिव रूट में जैसे आप सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से एक मैसेज डिलीवर हो जाएगा बॉस के पास कि मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ मुझे आने में क्या होगी देर होगी तो ये बताइए यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की ये बात हो रही है ब्रोडर गेटवे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट प्रोटोकॉल विजुअल प्राइवेट नेटवर्क बताइए जल्दी से यहाँ बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो अब हम समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है देखिए जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो जितनी भी डिवाइसेज है दे आर कम्युनिकेटिंग टू इच अदर ओवर द इंटरनेट नेटवर्क मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी भी डिवाइस हम यहां पे देख रहे हैं वो सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं लेकिन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे कनेक्ट होने के लिए हमें या तो वायर की जरूरत होती है या फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत होती है तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात हो रही है वो यहाँ पर क्या इंटरनेट है जैसे आपने देखा कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं मॉर्निंग में अलार्म बजा आपने अलार्म को बटन को ऑफ किया तो ऑफ किया तो ये कमांड कहाँ चला गया गीजर को चला गया गीजर क्या हो गया गीज़र जो है स्टार्ट हो गया पानी गर्म होना शुरू हो गया उसके बाद आपने ग्रोसरीज को ओपन किया तो वहाँ से जैसे आपने स्टॉक्स लिया तो ऑटोमेटिकली ग्रोसरी ने सेंस कर लिया कि हाँ उर्वशी जो है उसको इतना प्रोडक्ट की रोज जरूरत पड़ती है तो उसने क्या किया आपको मोबाइल के थ्रू आप मोबाइल में डेफिनेटली फ़्लिपकार्ट हो गया चाहे ग्रोसरीज कहीं से भी आप, आप ग्रोसरीज मंगवाते होंगे आपका डाटा वहाँ पर सेव होगा उसके थ्रू उसने क्या कि ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेसमेंट कर दिया अब आप आपका नाश्ता वगैरह हो गया नाश्ता वगैरह होने के बाद घर से बाहर निकले जैसे आप घर से बाहर निकले जितनी भी डिवाइस आपको मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हैं तो इंटरनेट का डिस्टेंस आ गया इंटरनेट का डिस्टेंस है सारे डिवाइसेस क्या हो गया ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया ऑफ हो गया चाहे उसमें सेटिंग कर दिया जाता है कि हम अगर पाँच मीटर के दायरे में तो ऑन है पाँच मीटर के दायरे से अगर हम बाहर निकलें तो ऑफ हो जाएगा ऑफ हो गया उसके बाद आप क्या कीजिएगा ऑफिस ऑफिस है तो ऑफिस है तो ऑब्वियसली आप जीपीएस वगैरह यूज़ करते हैं ठीक है ना जीपीएस वगैरह यूज करते उससे आपको पता चलता है ये रूट में ट्रैफिक कंजेशन है आपने रूट चेंज किया ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल से एक मैसेज डिलीवर हो गया बॉस को तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट पे जो है कम्युनिकेट कर रहे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स वन डिफरेंट थिंग्स देर स्टार्ट दे आर दे आर कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है चलिए तो अब ये था क्वेश्चन अब इसको हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में इंटरनेट ऑफ थिंग्स द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर्स टू द एवर गुंग नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट फीचर्स एन आई पी एड्रेस फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी जितनी भी डिवाइस आई पी एड्रेस दे केन कनेक्ट टू द इंटरनेट नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन डेट आकर्स बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट्स एंड अदर इंटरनेट एनेबल्ड एंड सिस्टम्स इन सिंपल वर्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन सिंपल वर्ड अगर बात की जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज एन इको ऑफ कनेक्टेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स डेटा एसेसिबल थ्रू द इंटरनेट ठीक है सो वाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए कंसेप्ट डैट डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट बिन कनेक्टेड टू द इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है जितने भी डिवाइसेज की अगर हम बात करें तो उन सारे डिवाइस में क्या होगा आई पी एड्रेस होगा उस आई एड्रेस के थ्रू क्या करेंगे इंटरनेट इंटरनेट नेटवर्क यूज़ करेंगे उस इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे में हम क्या करेंगे कम्युनिकेट करेंगे जिस प्रकार से हमारा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ठीक है ना जिस तरीके से हमारा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ओके In the internet of things the connected device should be able to identify themselves to the other device simply put this is the concept of basically connecting any device with an on or off switch to the internet each other the internet of things can connect devices embedded in various system to the internet when devices object can represent themselves digitally they can be controlled from anywhere control the connectivity that helps us कैप्चर मोर डाटा फ्रॉम मोर प्लेसेज एंशोरिंग मोर वेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग इफिशियंसी ठीक चलिए अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म कैन हेल्प और ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस कॉस्ट थ्रू इम्प्रूवड प्रोसेस इफिशियंसी एसेट यूटिलाइजेशन प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली हो सकता है अगर मान के चलिए कि हम लोगों ने देखा कि बाय चांस की बात है हमारी ही आदत हो जाती है कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो फैन वगैरह एसी वगैरह सारी चीज़ें बंद करना भूल जाते हैं लेकिन ये जितनी भी डिवाइसेज है इफ दे आर कनेक्टेड टू योर फोन थ्रू इंटरनेट नेटवर्क और आप जैसे ही बाहर निकलते हैं बाहर निकलते हैं और कुछ रेंज को क्रॉस करते हैं तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा दैट मींस एटलीस्ट आप, आपने देखा कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजमशन को सेव कर पा रहे हैं ठीक है उसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एप्लीकेशन कहाँ कहां आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं तो थोड़ा सा देखिए ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं ट्रैफिक कंजेशन कंट्रोल कनेक्टेड कार्स स्मार्ट रोड्स पार्किंग मैनेजमेंट ठीक है पार्किंग मैनेजमेंट भी है जैसे मान के चलिए कि आपकी कार जो है पार्क होने वाली है आपकी कार पार्क होने कहीं आप कार पार्क करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको स्पेस पता चल जाएगा सेंस कर लेंगे कि कार वहाँ पार्क होगा कि नहीं होगा ऑटोमेटिकली साउंड भी आना हो जाएगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जैसे अभी हम कार पार्क करते हैं तो कोई किसी की जरूरत पड़ती है पीछे में अगर आप आ, सही तरीके से पार्क करना आपको नहीं आता है तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगे होम्स एंड बिल्डिंग्स के लिए हमने डिस्कस कर दिया हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो पेशेंट सर्विलेंस यूवी वी रेडिएशन मॉनिटरिंग मोनिटरिंग ऑफ मेडिकल फ्रिज स्पोर्ट्स पर्सन केयर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं तो जो हम लोग आज के डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें सपो एम आर आई मशीन भी यूज़ करते हैं जो लेटेस्ट वाला तो वहाँ आपको प्लेसमेंट कर दिया जाता है और ऑटोमेटिकली स्लाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कहाँ कहाँ रेडिएशन इंजेक्ट हो चुके हैं वो ऑटोमेटिकली स्लाइड करता है ठीक है ना प्रॉपर अब बाई चांस की बात है कि अगर आपका रिपोर्ट सही तरीके से, से जनरेट नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली फिर आपको जो है वो वापस स्कैन करना शुरू कर देता है तो ये भी क्या एक तरह का आपको कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर स्मार्ट एनवॉयमेंट स्मार्ट रिटेल स्मार्ट इंडस्ट्री लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड सिंपल याद रखियेगा सर 5G आने के बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स में रिवोल्यूशन आ जाएगा ऐसा होप है यस आदित्य शर्मा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फाइव आ जाने के बाद जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंप्रूवमेंट होगा इस पर हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा यहाँ तक कि फाइव आने के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो मोरलेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ही आएंगे जब इंटरनेट एप्लीकेबल हो जाएगा तो सारी चीजें चीजें सारी इंटरनेट से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे ठीक है ओके okay? सो so, ये था आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है बिल्डिंग कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में कर सकते हैं मेडिकल में कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं ऑपरेशन में कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कर सकते हैं मार्केट्स वगैरह में कर सकते हैं ठीक है ना स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लस वेन कनेक्टेड विथ फाइव जी नेटवर्क फाइव जी नेटवर्क ये किसको देगा ये आपका जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेन इट इज कनेक्टेड ओवर द फाइव जी नेटवर्क इट विल इट विल रियलाइज अवर स्मार्ट सिटी ड्रीम स्मार्ट सिटी ड्रीम स्मार्ट सिटी में क्या होगा स्ट्रक्चर हेल्थ ऑफ बिल्डिंग आपकी जो बिल्डिंग जो है फाइव जी आएगा ऑब्वियसली आएगा थोड़ा सा कोविड के कारण हम लोग फंसे हुए हैं ये तो 5G ऑटोमेटिकली आ जाता है ठीक ना टारगेटेड था जुलाई का समय था लेकिन 5G जी के कारण सारी चीजें डिले हो रही है ठीक है ना स्ट्रक्चरल हेल्थ ऑफ बिल्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट एयर क्वालिटी नॉइज मॉनिटरिंग ट्रैफिक कंजेशन सिटी एनर्जी कंजम्सन स्मार्ट पार्किंग स्मार्ट लाइटिंग सारी चीजें यहां पर क्या होंगी स्मार्ट सिटीज़ की अगर बात की जाए तो शाम होते ही संध्या होते ही छः बजते ही जितनी उसकी आ, उस बिल्डिंग के आसपास जो स्ट्रीट लाइटिंग है सारी स्ट्रीट लाइटिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और जैसे ही मॉर्निंग होगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली बंद स्मार्ट पार्किंग रहेगा पार्किंग स्मार्ट पार्किंग इन द आपको एक पर्टिकुलर एरिया एलोकेट कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई बंदा और पार्क करने का कोशिश किया जाएगा तो आपके मोबाइल में एक मैसेज डिलीवर हो जाएगा ठीक है ना और एक सिक्योरिटी गार्ड होगा उसको भी मैसेज डिलीवर हो जाएगा तो इस स्मार्ट पार्किंग का कंसेप्ट रहेगा वेस्ट मैनेजमेंट जो भी आप वेस्ट जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एरिया रहेगा वहीं पे जाके आपको वेस्ट डेवलप करना था सारी चीजें कब हो पाएगी पॉसिबल जो डिवाइस जो है सारी चीजें आपके इंटरनेट ऑफ थिंग से कनेक्टेड हो पाएगी ठीक है ना तो so, यही सब चीज था सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आज हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया के बारे में डिस्कस कर लिया इज इट क्लियर एवरी देखिए रक्षिता जी इट्स हार्मफुल फॉर आवर नेचर डेफिनेटली जो ये हाई रेडिएशंस का है लेकिन बहुत सारी चीजों जो यहाँ बात की जा रही है बहुत सारी चीज़ों जो जैसे बात की जा रही है ठीक है ना इसमें भी मैं डिस्कस करूंगा मेरे ऊपर इसके क्लासेस भी है मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा ठीक है? आदित्य yes, जी जो बर्ड फोर जी वाला जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसी के बराबर देखिए जितनी भी अगर 5G जो लॉन्च हो रहा है तो इसके पहले जो 5G जो लॉन्च किया जा रहा है कॉन्स्परेसी थ्योरी एग्जिस्ट कर रहा है जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ पे ही ठीक है चलिए तो क्या हो रहा था कि लोग अगर गेट को टच कर रहे थे मेटलिक गेट को टच कर रहे थे तो वहां उनको क्या हो रहा था कि शौक लग रहा था तो उन लोग बार बार कह रहे हैं कि मुझे शौक लग रहा है शौक इट्स बिकॉज ऑफ फाइव जी रेडिएशन तो मैंने क्या किया दे वर सिटिंग ऑन द सिल्क जो सिल्क का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर सिल्क मतलब जो सोफा था उसके ऊपर में सिल्क का कपड़ा लगा हुआ था तो वहाँ पे लोग आराम से बैठते थे अब बैठ के जैसे ही जाके उस गेट को टच करते थे उन्हें तो शौक लगता था तो शौक लगने के साथ वो क्या कहते थे फाइव जी फाइव जी के कारण होना तो मैं रुको वेट करो लेट मी uh, मैं जो इसका इंस्पेक्शन करता हूँ तो मैंने क्या किया मैं जाके गया बैठ उस सोफ़ा के पहले गया मैंने गेट टच गेट को खोला आई वॉज नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ शॉक लेकिन फिर मैं गया सोफ़ा के पास गया सोफ़ा के पास जाने के बाद उसे अच्छा से रब किया अच्छा से रब किया ताकि चार्जेस विल डेवलप ऑन में हैंड, ताकि क्या होता है चार्जेस बिल डेवलप में हैंड, और जैसे ही हुआ मैंने गेट को टच किया इट वॉज लाइक बोलते ना एक झटका सा लगता है पार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा एकदम स्लाइट झटका टाइप का लगा अच्छा खासा झटका था तो वो क्या है वो क्या आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ कॉल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लेकिन हमारे माइंड में जो कॉन्स्पेरेसी थ्यूरीज़ होता है आपको माइंड को ओकोपाई कर लेता है हर जगह न्यूज़ में वही दिखा जाएगा फाइव जी के कारण आपको शौक लग रहा है फाइव के कारण शौक लग रहा है अच्छे न्यूज़ तो लोगों तक तो पहुँचते नहीं हम लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे तो बच्चे तो जुड़ नहीं पा रहे लेकिन हाँ जो कॉन्स्पेरेसी थ्यूरीज होता है वो जितना जल्दी हो सकेंगे आग के जैसा लोगों तक तो पहुँचेंगे लोग उसे एक्सेप्ट भी करना शुरू कर देंगे हाँ ये कहीं तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि जैसे जैसे हम ट्वेंटी सेंचुरी या क्रॉस कर रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अब जैसे मोबाइल ही हम यूज करें इज इट गुड जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इज इट गुड फॉर एवरी मुझे बताइए प्लीज लेट मी नो आई एम गोइंग टू टेक ए सेशन रिगार्डिंग डेटलो ऑलरेडी आई हैव टेकन ऑन कॉन्स्परेसी थ्योरी रिगार्डिंग फाइव जी इस मेरे यूट्यूब पर होगा वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग ठीक है ना आप लोग देख सकते हैं कॉन्स्पेरेसी थ्योरी सो प्लीज लेट मी नो ठीक <laughs> है ना सो वाट डिस्कसिंग मैं भूल गया हाँ जो मैं हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में एक ये होता है डाटा होता है डेट इज कॉल सार स्पेसिफिक एब्जॉप्शन रेट स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट तो ऐसा डब्ल्यू एच ओ का कहना है कि हम लोग जो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उसका स्पेसिफिक एब्जॉप्शन रेट कम होना चाहिए शुड बी बिलो वन समथिंग लाइक डट ठीक है ना लेकिन बहुत सारे मोबाइल्स जो आ रहे हैं उसका स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट काफी ज़्यादा बट स्टिल वी यूजिंग इट इट्स नॉट गुड आप अगर वीडियोस भी देख रहे हैं अगर कोशिश कीजिएगा मैं अगर बात करने का कोशिश करूँ तो मैं मोबाइल को लाउड स्पीकर पर रख देता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट यूज़ ब्लूटूथ वो बेटर रहता है तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रहे हैं आप देखिए डायबिटीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं पहले लोग खेत में काम करते थे तो कुछ उनको बीमारी नहीं होता था नेचुरल चीज़ें खाते थे लेकिन अब ऑब्वियस बात है कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में तो सारी चीज़ें एडवांस हो चुकी है तो एक तरफ आप एडवांसमेंट की ओर मूव कीजिएगा तो डेफिनेटली सर्टेन टाइप ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज विल बी देयर दैट दैट यू गाइस हैव हैव वी टू पे फॉर इट ठीक है ना सर दुखने लगता है रक्षिता जी सो व्हाट यू गाइस टू डू बिल्डिंग साइंटिफिक टेम्पर इन सोसाइटी सर एक्टिव एंड गुड सिटीजन यस अभी क्या है अगर आप लोग जैसे मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो मॉर्निंग में शो को उठते हैं तो पानी से पुराँख को धोया कीजिए और अगर जिनके पास लैपटॉप है जैसे हमारी भी आदत होती है कि मेरे पास भी लैपटॉप है लेकिन मोबाइल ही यूज़ करता हूँ अनएसरेटेड मुझे पीपीटीज बनानी है या फिर कुछ अगर स्टडी करना है तो अगर आप लोग के पास लैपटॉप है तो कोशिश कीजिए कि लैपटॉप की लैपटॉप से ही चीज़ों को की यूज़ कीजिए ठीक है ना तो आँख में स्ट्रेन कम पड़ेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश कीजिए कि ब्लू कट ग्लासेज आता है ब्लू कट ग्लासेस मैंने पहले भी बताया था ब्लू कट ग्लासेस विथ ए आर सी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ठीक है ना अगर ये हो सकता है तो आप लोग ले लीजिए वन थाउजेंड लगेगा समथिंग ब्लू कट ग्लास विथ एआरसी कोटिंग एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ये अगर आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपका आइस कम पड़ेगा ठीक है ठीक है ना एजिट ओके तो आप लोग एक काम कीजिएगा आप लोग सेशन को कैसा पसंद करते हैं अगर कुछ कमी भी है वेन आई सबमिट जब लेक्चर्स हमारे सबमिट हो जाते हैं तो ऑफलाइन कमेंट में आप ऐड कीजिएगा आप सभी लोग जो है ऑफलाइन कमेंट में कुछ भी डाउट होता है कैसी क्लासेस है फीडबैक देना चाहते हैं तो ऑफलाइन कमेंट के थ्रू आप लोग दीजिए ठीक है ना अगर हम लोग ऑफलाइन कमेंट में करते हैं तो थोड़ा सा चैनल के लिए भी फ़ायदा रहता है अब हमारी चैनल को प्रमोशन मिल जाता है तो अभी मैं आप सभी लोग को यही कहूँगा कि जब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कहना चाहिए तो आप लोग भी कुछ अपने साइड से प्रयास कीजिए जब भी हम लेक्चर्स को सबमिट कर देते हैं तो ऑफलाइन कमेंट जो होते हैं वहाँ पे कमेंट्स में कुछ भी कमेंट्स आप लोग कर कुछ भी क्या ओरिजिनल कमेंट्स रहना चाहिए तो फीडबैक अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ या फिर अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ कमी चीज़ें हो रही है तो उसको देख के आप लोग जो कमेंट्स कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए आज के सेशन यहीं तक फिर हमारी मुलाकात कर लोगी तब तक के लिए